कहते हैं कि सच कड़वा होता है। प्रिय साथियों, क्या सच कड़वा और मीठा हो सकता है? यह उन लोगों के लिए कड़वा कहा जाता है जो लोग झूठ के इर्द गिर्द रहते हैं। न जाने कितनी बार दिन में हम झूठ बोलते हैं और जिनके जिसके ना सिर है ना पैर है, लेकिन फिर भी हम बोल ही देते हैं। अगर इस आदत को छोड़ दिया जाए तो हमारे लिए सच कड़वा ना होकर सिर्फ वो सच रह जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। यूट्यूब, फेसबुक और IGTV के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं उन सभी प्रियजनों को जिनका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी स्पेशल डे है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि और नाम की राशि पर आधारित है, उसे वैसे ही देखने का प्रयास करें। राशिफल से पहले मैं चंद सेकंड आप लोगों के चाहूंगा आज के पंचांग के लिए। और आज की कुंडली पर इस वक्त आपके सामने कुंडली है 6 जून और शनिवार की। आज रात को 10:32 तक प्रतिपदा और फिर द्वितीय तिथि रहेगी। आज दोपहर को 3:11 तक ज्येष्ठा और फिर मूल नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले उभयचर योग का साथ मिलेगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि आप कहते हैं कि मालव योग, शश योग और भद्र योग बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है, उसे कैसे बताया जाए? तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब शनि स्वग्रही और उच्च राशि के केंद्र में हो तब शश योग बनता है। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वाले लोगों के लिए शश योग, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले लोगों के मंगल माफ करेगा शुक्र के स्वग्रही होने से मालव योग बनता है, और मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वाले लोगों के बुध के स्वग्रही होने से भद्र योग बनता है। इसकी और डिटेल आप मेरे स्पेशल वीडियोस में देख सकते हैं। आज भी राहु और बुध का जड़त्व दोष रहेगा। आज दोपहर को 3:11 के बाद ग्रहण दोष शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आज धनु राशि में चले जाएंगे और चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो उसे नोट करिए। दोपहर को 12:15 से 1:30 तक और दोपहर को 2:30 से 3:30 भी समय मिलेगा, लेकिन सुबह 9 से 10:30 तक जब राहु काल रहता है तो शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित है, इसलिए ऐसा नहीं करें। प्रिय साथियों, जब आप 6 राशि देख लेंगे तो मैं एक विशेष उपाय की बात करूंगा कि संतान की उत्पत्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हम शनिवार को क्या उपाय कर सकते हैं। कल मैंने आप सभी प्रिय दर्शकों से एक सवाल पूछा था कि महात्मा विदुर कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, जिसका जवाब आज कार्यक्रम के अंत में दूंगा। और आपसे ये गुजारिश रोज करता हूं, आप में से ज्यादातर लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। मैं ये मानता था कि मेरे जितने दर्शक हैं वो प्रबुद्ध हैं, लेकिन आपने साबित भी कर दिया कि हाँ, वाकई में आपका इंटरेस्ट इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा है। और आज मैं एक नया प्रश्न आप सभी से पूछ रहा हूं जिस पर आपको रिसर्च करनी है, और फिर कल मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब डालूंगा, लेकिन आप इस पर रिसर्च जरूर करिएगा। महाभारत के बारे में आपने सुना होगा, और श्री कृष्ण से बेहतर महाभारत को हम नहीं समझ सकते हैं। जब भगवान उन्हें कहते हैं, भगवान वचन जो देते हैं उसे पूरा करते हैं, लेकिन क्या श्री कृष्ण ने कोई वचन दिया था जिसे महाभारत में उन्होंने तोड़ दिया, तो वो क्या था? आप इस पर रिसर्च करें और मुझे जरूर जवाब दीजिए। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। चंद्रमा आज अष्टम स्थान में रहेंगे, जो कि दोपहर तक अष्टम स्थान में और फिर भाग्य स्थान में चले जाएंगे। आप कोशिश करें कि आप अपने कर्मों को निपटाएं, भाग्य के बारे में न सोचकर आप सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करें। बिजनेस पर्सन के बिजनेस में दिन कुछ मामलों में प्रतिद्वंदियों से पीछे रखने वाला होगा। कॉम्पिटिटर्स के मामले में आप जरा गौर करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई आप गलती करने जा रहे हैं। कई बार हम दूसरों के काम पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि खुद की काबिलियत को ही भूल जाते हैं और खुद के काम को खराब कर बैठते हैं। वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर आप अपनी समझदारी और कार्य कुशलता से आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसके द्वारा आप बेहतर काम करने की प्रेरणा पाएंगे। आज आप कोशिश करिएगा कि जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उसके पूर्ण मनोयोग से काम करें। कोई भी जल्दीबाजी करने से आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको आज घर छोड़ते वक्त जब भी आप घर से निकलें किसी काम में तो जरा सोचें कि क्या आपके लिए जरूरी है घर छोड़ना, तब छोड़ें, नहीं तो आपके लिए आज कोई नुकसान हो सकता है। घर से काम करने वाले लोग, जो वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को अपने काम के मामलों में कुछ अनचाही रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। जो रुकावटें आपने सोची नहीं है उन चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप, किसी और की बात, किसी पुरानी बात, गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात को लेकर चिंता बढ़ सकती है।
इसलिए आप अगर एडवांस में ये ध्यान रखें कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है और अपनी बात को शेयर करें तो मन भी हल्का होगा और झगड़ा नहीं होगा। आज चिंता रह रहकर अज्ञात भय के रूप में तब्दील हो जाएगी और वो भी भविष्य को लेकर परेशान होंगे। समय के साथ सब कुछ ठीक होगा, लेकिन इस समय से पहले आप व्यर्थ की काल्पनिक सोच नहीं रखें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप में ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन आलस्य, किसी और चीज में डिस्ट्रैक्शन आपको आपकी पढ़ाई से, आपके फोकस, आपके लक्ष्य से पीछे कर सकता है। यदि कोई बात आपको उचित ना लगे तो उसे मानना जरूरी नहीं है, उस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जून महीने में बहुत जगह बारिश हो रही है, या गर्मी भी है, उमस भी है, बारिश भी हो, डिस्टर्ब कर सकती है। ध्यान रखें, लकी कलर सिल्वर नंबर 5 शुभ रहेगा। वृषभ राशि, आज आपके लिए दिन सामान्य है, इसे और बेहतर आप मौन रहकर कर सकते हैं। बिजनेस पर्सन के बिजनेस में किसी योजना के आगे बढ़ जाने से थोड़ा दबाव कम होगा। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आज आप अपने सबॉर्डिनेट से, कई बार आपने देखा होगा कि आपके ड्राइवर, आपके पियोन, आपके साथ काम करने वाले लोग जिनको आप बहुत छोटा समझते हैं, छोटे ओहदे पर हैं, फिर भी आप उन्हें छोटा ना समझकर अगर उन्हें बड़ा समझ लें और उनसे अपने किसी काम की सलाह मशवरा मांगेंगे तो वो आपको बेहतर सुझाव दे सकते हैं, आप करके देखिएगा। वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर आपको कुछ मामलों में अधिकारियों से रियायत मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप नकारात्मक सोच से बचें, क्योंकि आप नकारात्मक लोगों से मिलने वाले, नकारात्मक सोच के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आप अपने आप को सदा सकारात्मक रखें। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आपकी सलाह बहुत सारे लोगों के काम आने वाली है, लेकिन बिना मांगे सलाह मत दीजिएगा और बेझिझक काम करिए। दूसरों की खुले दिल से आप मदद करेंगे और खुले दिल से उनकी तारीफ भी करेंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए अड़ियल स्वभाव से दूर रहें और अपने आप को सुधार करने की तरफ जरूर लेके जाएं, इसी से आपके मानसिक और शारीरिक सुधार की उम्मीद जगेगी। लकी कलर पर्पल नंबर 4 शुभ रहेगा। मिथुन राशि, चंद्रमा आपको रह रहकर मानसिक रोगी बना रहा है, इसके लिए आप अपने रूटीन को चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे लोगों से शुरुआत करते हैं बातचीत की जो लोग नकारात्मक हैं, सुबह, दोपहर, शाम की शुरुआत, तो ऐसे लोगों से दूर रहने की प्रैक्टिस करिए। बिजनेस दिन आपके लिए अतिरिक्त आय दिलाने वाला हो सकता है। यदि आप अपनी योजनाओं को थोड़ा रोकें और पुनर्विचार करें, पुनर्विचार हमेशा लाभ देता है। वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर नए सिरे से अपनी प्राथमिकता तय करें, अपनी प्रायोरिटीज तय करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और को दिखाने के चक्कर में किसी काम में लगे हुए हैं, आप अपने स्वाभाविक खेल को नहीं खेल पा रहे, इसलिए आपके आइडियाज आज बहुत हद तक पसंद किए जाएंगे। खुद के दिल और दिमाग की आवाज सुनते हुए अगर काम करते हो तो कोई कारण नहीं है कि आपके प्रतिष्ठा में कमी आ जाए, आपके काम में कमी आ जाए। घर से काम करने वाले लोग जो वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस की जो परिपाटी है उससे निकलकर अब वापस ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों को थोड़ी तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन इसके चलते अपने परिवार और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को अनदेखा नहीं करें। महामारी के इस बुरे दौर से हम सब गुजर रहे हैं, सामाजिक सेवा का कार्यक्रम जरूर करते रहें और अपनी काबिलियत को, अपनी जो स्किल है उसे बेहतर करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन सामान्य दिनों की तरह गुजरेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत में सुधार आने से चेहरे पर खुशी और एक स्पेशल टाइम आपको अपने काम के लिए मिल जाएगा। लकी कलर क्रीम नंबर 1 शुभ रहेगा। कर्क राशि, चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग आपके लिए बड़ा शुभ है और शुभ समाचार आप क्रिएट करने वाले हैं। जरूरी हमेशा शुभ समाचार हमें ही मिले, हम भी तो किसी को शुभ समाचार दे सकते हैं, वो आज आप दे सकते हैं। बिजनेस दिन आपके लिए अपनी किसी महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू करने का है। अपनी ऊर्जा व्यर्थ चिंताओं में लगाने के बजाय उसे सकारात्मक कार्यों में जरूर लगाएं। वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर अपने सबॉर्डिनेट से पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने काम को लेकर उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, जो भविष्य को लेकर आपको और ज्यादा सतर्क और ज्यादा सुरक्षित बनाएगा। आपको कुछ आर्थिक लाभ आज मिलने जा रहा है, इसलिए आप अपने आंख और कान खुले रखें। जॉब हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, उसमें आज कहीं से पैसा आ सकता है, पैसा जनरेट किया जा सकता है। परिवार में यदि किसी के लिए मन में भावनाएं हैं तो उन्हें फोन पर व्यक्त अवश्य करें और कोई सामने है तो सामने भी कर सकते हैं। स्टूडेंट को अधिक मेहनत करने की जरूरत है,
और मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करने की सख्त जरूरत है। इसी से आप अपने लक्ष्य पर समय पर पहुंच पाएंगे और बल्कि और बेहतर ढंग से पहुंच पाएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले से ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि आप हो सकता है कि इन दिनों बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। लकी कलर येलो नंबर 6 शुभ रहेगा। सिंह राशि, चंद्रमा आज चौथे रहेंगे और फिर बाद में पांचवे चले जाएंगे। कुछ भावनात्मक बातों, कुछ क्रिएटिव बातों को लेकर अपनी काबिलियत को सही ढंग से न पहचान पाने के कारण, मानसिक व्यथा के कारण आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि आज मानसिक अशांति रह रहकर आपको हो सकती है। बिजनेस पर्सन के लिए बिजनेस में कुछ खास नहीं है। व्यवसायिक मोर्चे पर आपकी स्थिति सही नहीं रहेगी। वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर पावर ही सब कुछ नहीं है, इस पे प्रेम सब कुछ होता है। इसलिए इस प्रेम से परिस्थितियों को आप अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। विचलित बिल्कुल ना हो, आप उनसे मिलने का प्रयास करें जिनसे मिलने के लिए दिल आपको हमेशा कहता है। घर परिवार के कामों को पूरा करने के लिए दिन बहुत शानदार ढंग से बीतेगा, इसलिए आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल चीजों को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। आज किसी इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो कॉलिंग, मित्रों से, दूर दराज के पार्टनर से, दूर दराज के रिश्तेदारों से, हमारे पुराने बॉस से या कलीग से बात करने का मौका मिलेगा और अपने हालचाल जानने के साथ साथ पुराने दोस्तों से, पुराने ग्राहकों से मिलकर आप बेहतर फील करेंगे। वर्क प्लेस में अपने निजी जीवन में आगे के द्वार खोलने में आप बहुत हद तक मेहनत और मशक्कत करते हुए नजर आएंगे। इन सब में से आपकी जरूरतों को आप बिल्कुल नजरअंदाज न करें, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी है आज अपने परिवार, अपने लव लाइफ, अपने मैरिटल लाइफ की तरफ भी होनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य दिनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज शनिवार को आप बेहतर वार बना सकते हैं। अपने मन की आवाज जरूर सुने, अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ में अपनों की सुरक्षा का ध्यान रखें। लकी कलर ऑरेंज नंबर 3 शुभ रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। चंद्रमा पराक्रमी बना रहा है और आपको आपके सुख सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ा रहा है। कई बार हमारे मन में आता है कि मैं इस चीज को पा लूंगा तभी मैं सुखी रहूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि पहले ये सोचिए, जो पहले मैं सुख सुविधाएं पा चुका हूं या पा चुकी हूं, क्या मैंने उसका पूरा उपयोग किया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस पर्सन के बिजनेस से महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन बहुत शानदार है। आपके सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण आप हर परिस्थिति को अनुकूल बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। आज आप अपने आंख और कान खुले रखोगे तो जॉब और बिजनेस में इंपॉर्टेंट डील आपके हक में होने वाली है। वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर आपके लिए दिन प्रोफेशनल तौर पर काफी अच्छा साबित होने वाला है। इसलिए आप अपनी काबिलियत को बिल्कुल न भूलें। आपके दिल और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप बेहतर अपनी स्किल को डेवलप करते हुए आज लाभ कमाने वाले हैं। आज का दिन अपने रूटीन कार्यों के अलावा कुछ ऐसा कर गुजरने की तमन्ना देगा जिसके बारे में आपने सोचा होगा, कई बार आपने विचार किए होंगे लेकिन कर नहीं पाए थे, लेकिन आज उसे कर पाने का पूरा मौका मिलेगा। सामाजिक रूप से आपकी इमेज बेहतर होने वाली है, समाज के लिए कुछ उद्धार करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अपने परिवारजनों के साथ खुशियों भरा दिन बीतेगा। संतान की सेहत की तरफ स्पेशल ध्यान दीजिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू नंबर 2 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, सबसे पहला अगर कोई सिद्धांत या यूं कहें कि सबसे पहला कोई संस्कार है तो वह है संतान, यानी गर्भ धारण करने का संस्कार। इस संस्कार को पूरा करने के लिए गर्भ का धारण करना जरूरी है, और अगर आपको या आपके अपनों को संतान उत्पत्ति में आ रही कोई बाधा है तो उसे दूर कैसे किया जाए। आपको लगातार संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, अबॉर्शन, मिसकैरेज, ऑपरेशन, कंसीव करने में तकलीफ आती है, ऐसे में निश्चित तौर पर संतान गोपाल साधना बहुत हद तक शुभ फलदायक हो सकती है। आज का महा उपाय जरूर आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। यह एक अत्यंत चमत्कारिक उपाय है, लेकिन इसके पूर्ण रूप से लाभ प्राप्ति के लिए आप शनिवार से शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार का दिन सर्वश्रेष्ठ रहता है। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि यह साधना पूर्ण रूप से मंत्र चैतन्य युक्त, अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, कवच और माला के रूप में आपको प्राप्त करनी है। इसे प्रथम बार स्थापित करते समय आप अपने पूर्वजों का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का, पत्नी कर रही तो पति का और पति कर रहे तो पत्नी का स्मरण करते हुए, अपने दाम्पत्य जीवन और फेरे के टाइम का स्मरण करते हुए, अपने गुरु और पंडित जी का आशीर्वाद लेते हुए आप इसकी शुरुआत करने का पहले तो उनसे आदेश प्राप्त करें और उनसे आज्ञा लीजिए।
उसके बाद संतान गोपाल की साधना जब आपको मिल जाए तो केसर और कुमकुम का तिलक करें, इत्र धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वामहम् शरणम् गतः मंत्र की 5 माला नित्य करने चाहिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1,90,000 दिन में आपको पूर्ण करना है, इसका संकल्प आप लीजिए। 1,25,000 में सबसे पहले 108 का जाप दीजिए, 108 का भाग दीजिए, तो जितने संख्या आती है उतनी आपको मालाएं पूर्ण करनी है 90 दिन में। पति पत्नी दोनों मिलकर करें, कभी ज्यादा कभी कम, कोई ज्यादा करे कोई कम करे, कोई सुबह करे कोई शाम करे, लेकिन ये संकल्प लेना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और इस पूरे समय में शांत रहें, मन में नकारात्मक विचार न लेकर आए, इससे आप सही गर्भ को धारण करेंगे, जो समाज के लिए सृष्टि के लिए बहुत हद तक लाभकारी गुणी संतान प्राप्त होगी। और शुद्ध मन से इस पूजा को करने से निरोगी दीर्घजीवी अच्छे चरित्र वाला सेहतमंद संतान प्राप्त करने का आशीर्वाद मिलेगा। कोशिश यही रहे कि आप प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को नैवेद्य अर्पित कर मंत्र का जाप जारी रखें। बात करते हैं प्रिय साथियों तुला राशि की। तुला राशि में सबसे पहले तो चंद्रमा आज द्वितीय और दोपहर के बाद तृतीय रहेंगे, जो कि आपके लिए दोनों ही स्थिति में शुभ है। बिजनेस पर्सन को बिजनेस के मामले में आपके सामने कम समय में ज्यादा काम करने की चुनौती हो सकती है। आज आप मिक्सचर दिन गुजारने वाले हैं, मैस हो सकता है, मतलब काम भी ज्यादा है, घर परिवार की जिम्मेदारी भी है, आलस्य भी है, तो इसको कैसे मैनेज करें, इसके लिए आपको प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। ये काम मुझे करना ही है, और उसे डिजाइन करते हुए अगर डे को आप आगे बढ़ाते हैं तो लाभ मिलेगा। बिजनेस पर्सन के कई दिनों से पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए फोकस करना आज बहुत शुभ रहेगा। वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां मिल सकती है, और आप इसे बखूबी निभाने के लिए इस सेंटेंस को जरूर याद रखें कि चुनौती और जिम्मेदारी ईश्वर उसी शख्स को देते हैं जिसके पास ये काबिलियत होती है कि वो उसे निभा पाए, और वो आपके भीतर है। नए आइडियाज आपको आएंगे, वो आइडियाज आपको कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं, इसलिए हमेशा पेन और पेपर पास में रखें ताकि उसे नोट कर सकें और उन आइडियाज को अप्लाई कर सकें। ऐसा जरूर नहीं है कि कोई महान लोगों ने ही अपनी जिंदगी में ये कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि वही बड़े काम कर सकते हैं, वही एक मोटिवेशन कोर्स या वही कोई समाज को एक सिद्धांत दे सकते हैं। नहीं, आप भी ये सिद्धांत दे सकते हैं, आपके अंदर भी बहुत काबिलियत है, बस हम खुद से मिल ही नहीं पाते हैं। आज कुछ लोगों के लिए पुरानी परिस्थितियां छूटती जा रही है, मन में उदासी महसूस होगी, किंतु यह एक नए जीवन की ओर संकेत भी है। इस बदलाव को खुशी से अपनाएं। जो आपके जीवन के लिए बहुत सहायक नहीं है वह आप अपने आप से दूर करने की क्वालिटी पैदा करें। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आत्मनिर्भर बनिए, जिसके बारे में हमें गुरु मंत्र प्रधानमंत्री जी ने जरूर दिया है, और हम सबको डिपेंडेंट बनने की क्या जरूरत है, इंडिपेंडेंट बनने में क्या तकलीफ है। शाम के समय सेहत में थोड़ा परिवर्तन नेगेटिव आ सकता है, ख्याल रखें। लकी कलर ग्रे नंबर 8 शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे, जो आपके लिए बेहद शुभ है। बिजनेस पर्सन बिजनेस में अपनी बातों या विचारों में अड़ियल ना हो, नहीं तो आपके अड़ियल स्वभाव आपकी गलत जुबानी की वजह से आप अपना ही नुकसान करने जा रहे हैं। हालांकि आप खुद को थोड़ा बदलने का अगर प्रयास करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपका दिन शानदार होगा और आगे का जीवन आप बेहतर बना पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम और स्पेशली वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए सहयोग और समर्थन का मिल रहा है, और आप याद रखिए कि जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो रिटर्न गिफ्ट के द्वारा ब्याज सहित हमें वापस मिलती है, तो आज आपको किसी का सहयोग और मदद मिल सकती है। आपको अपने आसपास के लोगों या टीम के सदस्यों से काफी मदद मिलेगी, उन पर भरोसा जरूर करिए। लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप से आज किसी बात पर, फोन पर या सोशल मीडिया पर मजाक का मूड रहेगा, और बात बनते बनते कब बतंगड़ का रूप ले लेगी पता ही नहीं चलेगा, इसलिए सलीके से बात करेगा। रिश्तों में भी दूसरों का नजरिया देखने का प्रयास जरूर करें। हमेशा अपनी बात को थोपने में या मनवाने में बिल्कुल अच्छा आपको नहीं लगता है, बाद में आपको फील होता है, तो बेटर है ऐसा ना करें। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने आइडियाज जो कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं उससे आप बहुत क्रिएटिव बनने वाले हैं, बहुत बेहतर एडवांस में पढ़ाई करने वाले हैं, एडवांस में काम करने वाले हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। सेहत को लेकर चिकित्सकीय सलाह को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। लकी कलर गोल्डन नंबर 2 शुभ रहेगा। आज धनु राशि वाले लोगों के लिए चंद्रमा दोपहर तक 12वें और फिर आपकी राशि में रहेंगे। दोपहर के बाद मानसिक सुकून, कॉन्फिडेंस और एक मन बहुत खुश होगा, जिससे आपको लगेगा यस मैं अपने आने वाले दिनों को ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं।
बिजनेस पर्सन बिजनेस में टेंशन से घिरे रहेंगे। जो भी करें सोच और समझ के करें। अपनी कुछ पूर्व योजनाओं में बाधा आने के कारण मन में बेचैनी हो सकती है। ये दिन आपके लिए थोड़ा उथल पुथल भरा रहेगा, लेकिन ये किसके साथ नहीं होता है, ये हमारे साथ होता है। और ये उथल पुथल ही हमारे लिए एक एग्जाम का टाइम होता है। जब हमने जो पढ़ाई लिखाई कर रखी है वो एग्जाम के टाइम हम कैसे परफॉर्मेंस देते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिस कैसी थी। तो आज वो काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर क्षमता से अधिक काम लेना आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, इसलिए जितनी काबिलियत है उतना ही काम लें। जिम्मेदारी, याद रखिएगा कि जिम्मेदार इंसान बनना जरूरी है, वो आप आज बनने जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को अपने अधिकार तो याद रहते हैं और कर्तव्य भूलते हैं या बोलने का प्रयास करते हैं। आज आपको अपने कर्तव्यों को निभाने का पूरा मौका मिलेगा। परिवार के साथ खुशनुमा समय बिताने के लिए आप बाहर निकलना चाहेंगे, घूमना फिरना चाहेंगे। आप जरूर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। आपके काम पर फोकस इसी से अच्छा बनेगा कि आप थोड़ी फ्रेश एयर ले लें। स्टूडेंट प्लेयर्स को किसी भी काम को संपन्न करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता, किंतु आपकी मेहनत जल्द ही फल लेकर आएगी यह सोचे बिना आप सही डिजाइन करें अपने डे को, और हताश बिल्कुल ना हो और बिल्कुल भी परेशान ना होते हुए अपने काम पर फोकस रखते हुए आगे बढ़े। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की तकलीफ है, सांस की तकलीफ है, उन लोगों के लिए दिन आज ठीक नहीं है। ख्याल रखिएगा, लकी कलर पिंक नंबर 7 शुभ रहेगा। मकर राशि, चंद्रमा पहले तो 11वें और फिर आपके 12वें रहेंगे, जो आपके लिए हर कीमत पर शुभ फलदायी ही होने वाले हैं। आपके अंदर एक नकारात्मक सोच हल्की सी आ सकती है जो आपको लाभ देगी। हमेशा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव थिंकिंग ही काम करे, नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत काम करती है। आपके लिए सुझाव दिया जाता है कि अगर आप लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार से प्रोफेशनली रिश्ता भी बनाए हुए हैं, तो आज आपको समझदारी भरे प्रस्ताव मिलने वाले हैं जो आपके लिए लाभदायक भी रहेंगे और एक व्यवसाय में नया समीकरण तय करने में आप लगे रहेंगे। माइंड योर ओन बिजनेस, ऐसा आपने किसी को कहा होगा या सुना होगा। इसका बिजनेस से कोई लेने देना नहीं, इसका आपके काम से मतलब है कि आप अपने काम पर फोकस करें। वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर सहकर्मियों को उनके विचार प्रकट करने से नहीं रोकें। ऐसा करने से झगड़े फसाद उत्पन्न होंगे और वह आपको नकारात्मक सोच की तरफ लेके जाएगा। आप में वो योग्यता है कि आज आप किसी और के काम को पूरा करें, तारीफ करें। अपने प्रयास से दूसरों के काम को भी हल कर सकते हैं, उस पर आवश्यकता है कि आप ध्यान दें। आप आज अपने काम और रिश्तों के प्रति समर्पण का भाव दिखाएंगे, इससे भविष्य में तो सफलता मिलेगी लेकिन आज सफलता की शुरुआत जरूर हो सकती है। स्टूडेंट प्लेयर और आर्टिस्ट, आत्मविश्वास की कमी आएगी उसे अपने इर्द गिर्द ना आने दें और लगातार प्रयास करें। बड़ों की सलाह ही आवश्यक नहीं है, उनके आशीर्वाद भी आपके काम आ सकते हैं। इसलिए अपने निर्णय लेने से पहले आप सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और अपनी काबिलियत पर ध्यान दें और बड़ों का आशीर्वाद लें। खान पान पर ध्यान रखने से दिन और शानदार होगा। लकी कलर ग्रीन नंबर 5 शुभ रहेगा। कुंभ राशि, चंद्रमा आपकी कुंडली में 10वें और 11वें भाव में आपके लिए बहुत शुभ फलदायक होने वाले हैं। बिजनेस पर्सन के बिजनेस में कोई पुरानी बातों को लेकर बात का बतंगड़ बन सकता है, उन्हें पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर आपका जो करेज है, एंथुसियाज्म, साहस है, वो जोश हाई रहेगा। इसके चलते आप बिना किसी की मदद के नेगेटिव परिस्थिति को भी पॉजिटिविटी में तब्दील करने जा रहे हैं। परिवार में यदि किसी के लिए मन में कड़वाहट हो तो उसे माफ जरूर करिए, और अगर आपने गलती की है तो माफी मांगने में गुरेज और परहेज कैसा। परिस्थिति जल्द ही अनुकूल हो जाएगी। परिस्थिति के प्रति अनासक्ति का भाव रखें और इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के प्रयास आज बहुत सार्थक होने वाले हैं, इसलिए दिल और दिमाग की आवाज सुनें और प्रयास को बेहतर बनाएं। इससे आपको मानसिक रूप से बहुत सुकून मिलेगा। जल्दीबाजी किसी काम में ना करें, वरना ना घर के रहेंगे ना गांठ के रहेंगे। व्यर्थ की चिंता को घर से बाहर रखिए। लकी कलर व्हाइट नंबर 1 शुभ रहेगा। मीन राशि, चंद्रमा का 9वें और 10वें भाव में आपके लिए हर प्रकार से शुभ है। आप अपने आप को आज भाग्यशाली समझ सकते हैं। आज मेहनत करेंगे लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे मेहनत का फल मिलेगा। बिजनेस पर्सन के बिजनेस में अच्छे परिणाम पाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क आपकी व्यर्थ की चिंताएं जो चल रही थी उन्हें दूर करने में मदद करेगा। इससे धन लाभ के अवसर नए क्रिएट करेगा। वर्क फ्रॉम होम और वर्क प्लेस पर अपनी योग्यता
यानी आपकी जो स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज है उस पर विश्वास रखिए और आपकी मेहनत का फल आपको जल्दी मिलेगा, ये सोच के साथ आगे बढ़िए मौन रहकर, साइलेंट मोड में। आपको अपने रिश्ते के लिए समय निकालने की पूरी आवश्यकता है, समय को चुराइए और वो रिश्तों को मजबूत करने में लगाइए। इससे आप में भी सकारात्मक उठ जाएगी और जो आप पर विश्वास करते हैं वह आप पर दिलो जान से अपनी बातों को बता पाएंगे। यदि किसी बात का आपको बुरा लगता है तो उसे समय रहते और बिल्कुल मौके के साथ अगले को बताना जरूरी है। उससे आप अपने आप को ना दोषी समझेंगे ना किसी और को बनाएंगे, बल्कि आप दोनों एक बेहतर माहौल को क्रिएट कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन बहुत शानदार है, इसलिए बड़ी मेहनत करिए, एडवांस में मेहनत करिए। हल्की सी सर्दी, जुकाम, खांसी और स्पेशली मौसम के परिवर्तन से जो तकलीफ आती है वो हो सकती है। लकी कलर ब्राउन नंबर 3 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, मेरा आपसे कल प्रश्न किया था कि महात्मा विदुर कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। इसके बारे में ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब मैं भी आपको इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, महाभारत काल से बहुत पहले मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उनके राजा ने उनके शरीर में शूल से हमला करवाकर उन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। मृत्यु के बाद उन्होंने धर्मराज से पूछा कि किस कारणवश उन्हें झूठे इल्जाम लगाकर इस तरह से मृत्यु दंड भोगना पड़ा। तब धर्म ने कहा कि जब वे छोटे थे तब उन्होंने एक कीट के शरीर में सींक से घाव कर दिया था, जो कीट पतंगे होते हैं, जिसके कारण उन्हें यह सजा भोगनी पड़ी। तब ऋषि ने कहा कि उस समय वे बालक थे और धर्म अधर्म के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं था, फिर भी धर्मराज ने उन्हें इस तरह का दंड देकर उन पर अन्याय किया है, इसीलिए धर्मराज को खुद पृथ्वी पर मानव बनकर एक दासी के गर्भ से जन्म लेना होगा और मनुष्यों जैसा भाग्य भोगना होगा। धर्मराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया और विदुर जी की मृत्यु का युधिष्ठिर से बहुत गहरा संबंध है। महाभारत युद्ध के कुछ वर्ष बाद धृतराष्ट्र आदि सभी वृद्ध कुरुवंशियों ने संन्यास ले लिया, साथ ही विदुर पे संन्यास लेकर वन चले गए। वे अन्य लोगों की भांति आश्रम बनाकर नहीं रहते थे, बल्कि वे घनघोर वन में ही तप में लीन रहते थे। सहसा विदुर एक पेड़ का आश्रय लेकर खड़े हो गए और युधिष्ठिर की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर को एक टक देखते हुए अचानक उनके शरीर से एक तेज निकला और युधिष्ठिर के शरीर में समा गया। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने अंदर अजीब सी ऊर्जा और शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने विदुर जी से अपनी एक रूपता का अनुभव किया। अब विदुर जी का निष्प्राण शरीर राजा युधिष्ठिर के सामने उसी पेड़ का सहारा लेकर खड़ा था। चूंकि विदुर धर्मराज का अवतार थे और युधिष्ठिर धर्मराज के अंश से उत्पन्न हुए थे, अतः वे अंत में एक हो गए। इस प्रकार विदुर की मृत्यु हो गई। प्रिय साथियों, कल का मेरा प्रश्न मैं शुरुआत में बोल चुका हूं, वापस दोहराता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जिनकी हम पूजा करते हैं, जो एक बार वचन दे दे तो उसे पूरा जरूर करते हैं, लेकिन महाभारत श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। तो उन्होंने क्या वचन दिया था और क्या उन्होंने कोई वचन तोड़ा था, इस पर आप रिसर्च करिए। मैं आपको इसका जवाब कल जरूर दूंगा। प्रिय साथियों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शनिवार का हम इंतजार करते ताकि वीकेंड मिले, तो शनि से डर कैसा, इसके अपने वीकेंड को सही ढंग से एंजॉय करिए, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। ऐसी उम्मीद, विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।